हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में लोग देश भर से पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से पिछले कई दिनों से जगह जगह ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। पर्यटकों के भारी संख्या में पहुंचने से व्यवसायी काफी खुश हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार अच्छा कारोबार होगा। मनाली में पिछले 4-5 दिनों से होटल भरे हुए हैं। नए साल के अवसर पर लोग देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए धार्मिक स्थानों का भी रुख कर रहे हैं। आज माँ वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखा। लोगों ने माता रानी से देश दुनिया के कल्याण के लिए दुआ मांगी। नया साल सबके लिए अच्छा हो और सबके लिए खुशियां लाए, ऐसी कामना भी की। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को आज एक बड़ी कामयाबी मिली। हत्या के आरोपी राजकुमार चौहान को 28 साल बाद मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। राजकुमार चौहान मीरा रोड एरिया में रहने वाली एक महिला और उसके 4 बच्चों की हत्या का आरोपी है। पुलिस ने बताया कि महिला ने अवैध संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राजकुमार ने घटना को अंजाम दिया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो 2023 का उद्घाटन किया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस फ्लावर शो का आयोजन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फूलों से G20 और वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है। सीएम पटेल ने जगह जगह जाकर रंग बिरंगे फूलों को देखा और उसकी जानकारी भी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से कई घरों में दरारें आ गई। लोग अपने अपने घरों को खाली करके सुरक्षित ठिकानों का तलाश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की सरकार से मांग है कि सरकार इसका तत्काल समाधान निकाले। हम घरों के बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। म्यूनिसिपल के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने बताया कि पिछले साल बारिश नहीं हुई थी तो भी जमीन धंस रही थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी से 1 जनवरी को इस मामले में मुलाकात होनी है। उधर गुजरात के नवसारी में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और बस के बीच सीधी टक्कर हो गई जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घायल लोगों का सूरत के हॉस्पिटल्स में इलाज जारी है। यह हादसा NH-48 पर वेस्मा गांव के पास हुआ। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और हादसे में घायल परिजनों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान किया। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल से आई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ पंत अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनकी हालत पहले से बेहतर है। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पंत को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाएगा। 20 मेंबर्स वाली फॉरेंसिक टीम ने स्पॉट पर जाकर हादसे का जायजा लिया। ऋषभ पंत की कार एक्सीडेंट पर रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की रिपोर्ट आई है जिसमें हादसे की वजह झपकी और ओवर स्पीड बताई गई है। तुनिशा मौत केस में आरोपी एक्टर शिजान खान को आज वसई कोर्ट में उसकी पेशी हुई। कोर्ट ने शिजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई पुलिस ने भी शिजान की कस्टडी मांगी है। शुक्रवार को कोर्ट ने शिजान को कस्टडी 1 दिन के लिए उसकी बढ़ाई थी। शिजान को 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। उस पर तुनिशा को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। बिहार के छपरा के जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित मास्टरमाइंड रामबाबू को पुलिस को उसकी कई दिनों से तलाश थी। वो बिहार से भागकर दिल्ली में छिपा था। रामबाबू की गिरफ्तारी की जानकारी दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस को दे दी है। रामबाबू पर केमिकल मिलाकर शराब बनाने का आरोप है। छपरा में शराब पीने से 80 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। बिहार के सीएम नीतीश ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में बुलडोजर एक्शन में दिखा। जिले के पहलगाम इलाके में आतंकी आमिर खान के घर पर कार्रवाई हुई। अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर बने आतंकवादी के घर की दीवार को एडमिनिस्ट्रेशन ने गिरा दिया है। आमिर खान हिजबुल प्रमुख सैयद सलाउद्दीन का डिप्टी है और पीओके से काम कर रहा है। आमिर 90 के दशक की शुरुआत में ही पीओके गया था। इसे यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया। इस साल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 172 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी ने बताया कि साल 2022 में कुल 93 एनकाउंटर हुए जिनमें 42 विदेशी आतंकवादी मारे गए। कुल 172 आतंकवादी मारे गए हैं जिनमें लश्कर के 108 और जैश के 35 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। उत्तरी कश्मीर में LOC से सटे कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सबसे ज्यादा कुल 9 बार मुठभेड़ हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।